तो फाइनली इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। तो आओ तुम्हें बताता हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के न्यू चीट कोड्स के बारे में। तो हमारी पहली चीट कोड है 3005 निसान GTR कार के लिए। नेक्स्ट चीट कोड है 1210 न्यू KTM बाइक के लिए, जो कि मॉडिफाई होकर दोबारा आ चुकी है। तो नेक्स्ट बाइक का चीट कोड है 1190। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी बाइक्स के चीट कोड बताए हैं, ये सारी बाइक पहले गेम के अंदर थी, बट गेम के अपडेट के बाद ये सारी बाइक्स मॉडिफाई हो चुकी हैं। एंड मॉडिफाई होने के बाद ये बाइक्स दोबारा गेम के अंदर ऐड हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपडेट के बाद RGS टूल के नए चीट कोड्स के बारे में। तो हमारा पहला अपडेट के बाद हिडन सीक्रेट वर्ड है हेलीकॉप्टर। जैसे पहले आसमान के अंदर जेट्स फ्लाई करती थी, वैसे ही अब हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर रहा है। जैसे आप हेलीकॉप्टर डालोगे RGS टूल के अंदर, तो आपको इसी तरह हेलीकॉप्टर आपके गेम के अंदर उड़ते हुए दिखेंगे। बट ये हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पे नहीं गिरता, बिकॉज इसके अंदर कोई पायलट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट RGS टूल का चीट कोड है, अगर आप इस रैम के पास आओगे एंड यहाँ पे आने के बाद अपने RGS टूल के अंदर लिखोगे रोल ऑन, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड करने लगेगा। एंड ये राउंड लगातार करता रहेगा जब तक आप इसे ऑफ ना करो। एंड इसे ऑफ करने के लिए सिंपली आपको RGS टूल के अंदर जाना है एंड वहाँ पे लिखना है रोल ऑफ, तो ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सीक्रेट RGS टूल चीट कोड के बारे में भी शायद आपको नहीं पता होगा, बिकॉज अगर आपको अपने हाउस का कलर चेंज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है हाउस कलर, जिस भी कलर में आपको करना है वो कलर लिख देना है। तो मैं अपने हाउस कलर को रेड कर देता हूँ। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने अपने हाउस कलर को रेड किया, तो हमारा हाउस रेड कलर का हो चुका है। एंड इसके बाद अगर आपको अपने हाउस के कलर को RGB करना है, तो आपको लिखना है हाउस कलर RGB एंड आपके गेम के अंदर जो आपका हाउस है उसका कलर RGB हो जाएगा। एंड RGB कलर करने के बाद आप किसी और कलर में नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अगर RGB कलर हटाना है तो इसके लिए आपको अपने गेम को बैक कर देना है एंड दोबारा से आपका जो आपने लास्ट कलर किया होगा आपका कलर वही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे RGB से पहले रेड कलर किया था, तो अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर लिखूंगा और मेरे घर का कलर वापस से नॉर्मल हो जाएगा व्हाइट कलर में। एंड मैं आपको बताता हूँ एक और हिडन सीक्रेट RGS टूल चीट कोड के बारे में। अगर आपको अपने फोन को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको RGS टूल के अंदर जाना है एंड जिस भी कलर में आपको अपना फोन चाहिए वो कलर लिख दो, आपके फोन का कलर वही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने गेम के अंदर अपने फैन को ऑन करना चाहते हो जो आपके घर में लगा हुआ है, तो आपको RGS टूल के अंदर जाना है एंड वहां पे सर्च करना है फैन ऑन। जैसे ही आप फैन ऑन टाइप करोगे आपका फैन चलने लगेगा। एंड अगर आपको इसको ऑफ करना है, तो आपको सिंपली RGS टूल के अंदर जाना है एंड वहां पे लिखना है फैन ऑफ। तो जैसे ही आप फैन ऑफ लिखोगे आपका फैन ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आप अपने घर के अंदर इस लैंप को ऑन करना चाहते हो, तो सिंपली आपको 9 टाइप करना है एंड आपका लैंप जो है वो ऑटोमेटिकली जल जाएगा और आपके गेम के अंदर नाइट मोड ऑन हो जाएगा एंड आपके अंदर बाहर जितने भी हाउसेस हैं उनके अंदर की सारी लाइट्स जल जाएंगी ऑटोमेटिकली। एंड अगर आपको इसे ऑफ करना है और नाइट से वापस डे में जाना है, तो आपको सिंपली डायल पैड के अंदर आना है एंड 9 को टाइप करना है, फिर आपका वापस से सुबह हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपने फोन को कंट्रोल को हाइड करना है, तो आपको RGS टूल के अंदर जाना है, वहां पे UI ऑन लिख देना है, तो आपके फोन एंड कंट्रोल्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और इसे वापस पहले जैसा करने के लिए आपको UI ऑफ लिख देना है, फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपने गेम को सेव करना है, तो किसी एक लोकेशन पे जाके अपने RGS टूल के अंदर सेव लिख दो, उसके बाद अपने गेम को वापस बैक करो एंड फिर RGS टूल के अंदर जाके लोड लिखो, तो वापस उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाओगे, मतलब आपका गेम फिर वहीं से उसी जगह पे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको हेलीकॉप्टर जैसे अपने गेम के अंदर जेट्स को फ्लाई करना है आसमान में, तो आपको सिंपली RGS टूल के अंदर जाना है एंड वहां पे लिखना है जेट। एंड जैसे ही आप जेट लिखोगे, तो आपके गेम के अंदर ऑटोमेटिकली जेट्स फ्लाई करने लगेंगे और ये जेट्स बहुत स्पीड में उड़ते रहते हैं एंड कभी कभी तो ये जमीन पे भी जाके लड़ जाते हैं और ब्लास्ट भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एनिमल्स के सीक्रेट RGS टूल के बारे में। सबसे पहले अगर आप 50 डायल करोगे तो वेलोसीरैप्टर आएगा एंड 52 डायल करोगे तो टीरेक्स आएगा एंड 53 डालोगे तो वेलोसीरैप्टर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन एनिमल्स को अपना पर्सनल पेट कैसे बना सकते हो। देखो, अगर आपको इन्हें अपना पर्सनल पेट बनाना है, तो सिंपली आपको RGS टूल के अंदर जाना है एंड वहां पे लिखना है एम या अटैक। इतना टाइप करने के बाद आपका अटैक मोड ऑन हो जाएगा एंड इसके बाद आपको किसी भी एक NPC को गन से एक गोली मारना है, फायर करना है, उसके बाद आपका पेट ऑटोमेटिकली जाएगा और उस NPC को नोच नोच के खा जाएगा। अभी तक मैंने आपको जितने भी हिडन सीक्रेट चीट कोड्स थे, चाहे वो RGS टूल के हों या फिर ऐसे बाइक से चीट कोड हो, मैंने अभी तक आपको सारे बता दिए जो नए अपडेट्स में आए हैं। अब मैं आपको बाकी 2024 के सारे चीट कोड्स के बारे में बताता हूं। तो पहले तो आपने देखा कि हमने 200 से हॉर्स को एंड 600 से डॉग को मंगाया है एंड इसके बाद 50-50 से वेलोसी रैप्टर और 9191 डायल करने पे हमारा आ जाएगा थार। एंड एक और थार को स्पॉन करने के लिए आपको 9090 को डायल करना है एंड फिर आपको एक और थार स्पॉन हो जाएगी। अब आपकी जो फेवरेट है उसको चलाओ। इसके बाद 888 डायल करने पे आपके गेम के अंदर हमर कार स्पॉन हो जाती है एंड 3100 डायल करने पे आपके गेम के अंदर बोलेरो स्पॉन होती है। इसके बाद 2244 डायल करोगे तो तुम्हारे गेम के अंदर सुप्रा स्पॉन हो जाएगी एंड 8123 डायल करोगे तो तुम्हारे गेम के अंदर मस्टैंग कार स्पॉन हो जाएगी। 8811 डायल करोगे तो फरारी स्पॉन होगी एंड 2020 डायल करने पे इंडिवर कार स्पॉन हो जाएगी। इसके बाद 444 से रेड कलर की बोलेरो स्पॉन हो जाएगी एंड 2000 से आपके गेम के अंदर रॉल्स रॉयस स्पॉन हो जाएगी एंड 800 डायल करने पे बुगाटी V2 स्पॉन हो जाएगी एंड 900 डायल करोगे तो एक और मस्त रेड कलर की कार स्पॉन हो जाएगी एंड 500 डायल करने पे ऑडी स्पॉन होगी एंड 3333 डायल करोगे तो लैम्बोर्गिनी स्पॉन हो जाएगी एंड इसके बाद 700 डायल करने से लैम्बोर्गिनी V2 स्पॉन हो जाएगी एंड 100 डायल करने पे पुलिस ऑफिसर की कार स्पॉन होगी एंड 101 डायल करने पे एक और पुलिस ऑफिसर की कार स्पॉन हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको काफी सारे चीट कोड्स के बारे में बता दिया है, बट अभी चीट कोड्स खत्म नहीं हुए हैं, अभी और भी चीट कोड्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो बताता हूं। 6677 डायल करोगे तो जेसीबी स्पॉन होगी एंड 4040 डायल करने पे टैंक स्पॉन
स्पॉन होगा एंड 1212 डायल करने पे एक विदाउट ट्रेलर का ट्रक स्पॉन होगा। और अगर आपको यही ट्रक ट्रेलर के साथ चाहिए तो 01212 डायल करो तो आपको ट्रेलर के साथ यही सेम ट्रक मिल जाएगी। 606 डायल करेंगे तो आपकी गेम के अंदर फायर ट्रक स्पॉन हो जाएगा। अब बताता हूँ मॉन्स्टर कार्स के चीट कोड, तो 0300 डायल करने पे टार्जन मॉन्स्टर कार स्पॉन हो जाएगी, 01000 डायल करने पे एक और मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन हो जाएगा एंड 0900 डायल करने पे एक और मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन हो जाएगा। इसके बाद 0700 डायल करने पे एक और मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन हो जाएगा। इसके बाद 01990 डायल करने पे मॉन्स्टर थार स्पॉन होगी। इसके बाद 0100 डायल करने पे मॉन्स्टर पुलिस वाली कार आ जाएगी। इसके बाद 0101 डायल करने पे एक और पुलिस मॉन्स्टर वाली कार आ जाएगी। अब बताता हूँ फ्लाइंग व्हीकल्स का चिट कोड, 555 डायल करने पे आपके अंदर फ्लाइंग जेट आ जाएगा एंड इसके बाद आप 8000 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाएगा एंड 320 डायल करने पे बिग जेट पैक आ जाएगा एंड 330 डायल करने पे स्मॉल जेट पैक स्पॉन हो जाएगा। अब बताता हूँ बाइक्स का चीट कोड, तो 9000 डायल करने पे यहाँ पे स्प्लेंडर स्पॉन हो जाती है एंड 6021 डायल करने पे एक और स्प्लेंडर स्पॉन हो जाती है एंड 999 डायल करने पे यमहा वीमैक्स आती है, 888 डायल करने पे यमहा FZ10 आती है, 0015 डालने पे यमहा R15 आती है। इसके बाद 4215 डायल करने पे ड्यूक बाइक स्पॉन हो जाती है। इसके बाद 7777 से ड्यूक 200 आती है। इसके बाद 8888 डायल करने पे ड्यूक 1290 स्पॉन हो जाती है एंड इसके बाद गेम के अंदर 5000 डायल करने पे पल्सर 200 आ जाती है एंड 121 डायल करने से एक और पल्सर स्पॉन हो जाती है एंड 1210 डायल करने पे एक KTM स्पॉन हो जाती है। इसके बाद 1190 से एक और KTM बाइक स्पॉन हो जाती है एंड 4050 डायल करने पे अपाची स्पॉन हो जाती है। इसके बाद 777 डायल करने से एक और सुपर बाइक स्पॉन हो जाती है एंड 666 डायल करने के बाद एक और बाइक गेम के अंदर स्पॉन हो जाती है एंड नेक्स्ट बाइक का चीट कोड है 400 जो कि है हमारी ZX10R जिसके बारे में तो आप जानते होंगे, मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से रीलॉन्च हो चुकी है एंड 3000 डायल करने पे कावासाकी H2R गेम के अंदर स्पॉन हो जाती है एंड 7000 डायल करने पे हायाबुसा स्पॉन होती है एंड 999 डायल करने पे हमारी प्यारी बुलेट स्पॉन हो जाती है, सॉरी 4x9 था। इसके बाद 1111 डायल करने पे हमारे गेम के अंदर साइकिल स्पॉन हो जाती है एंड 40 से एक स्पूटी स्पॉन होती है। इसके बाद 444 डायल करने पे कोबरा बाइक स्पॉन होती है एंड 5555 डायल करने पे गोस्ट राइडर बाइक स्पॉन हो जाती है एंड ATV को स्पॉन करने के लिए 4x2 को डायल करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे चीट कोड्स आपको बता दिए और भाई ये गोस्ट राइडर बाइक की वजह से हमारी काफी सारी बाइक्स यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी हैं। तो चलिए गाइस फाइनली मैंने आपको सारे चीट कोड्स बता दिए, अपडेट के बाद के जितने भी RGS टूल थे सब बता दिए एंड आपको 2024 के सारे चीट कोड्स अब पता चल चुके हैं। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सारे चीट कोड्स के बारे में जानने में मजा आया और आप इसको अप्लाई करने वाले हो, और गाइस अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में।